हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राम सिद्धार्थ, लेक्चरर मौजा। आज मैं आपको आपके कक्षा 12 के इतिहास के चैप्टर नंबर 2, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न के पहले टॉपिक को आपके सामने मैं वीडियो बना के पेश कर रहा हूँ। भारतीय इतिहास, वैसे तो भारतीय इतिहास के बारे में जितना कहें उतना ही कम है, लेकिन यदि हम सिलेबस की बात करें तो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न में सबसे पहला आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसको कि 322 ईसा पूर्व से माना गया, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना गया है। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से सबसे पहला यह हुआ कि विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंध इसी साम्राज्य की स्थापना के बाद बने। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंध जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से शुरू हुए और भारत के राजनीतिक एकीकरण की संकल्पना भी इसी मौर्य साम्राज्य के स्थापना के साथ ही शुरू हुई। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में वैसे तो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उनमें से मुख्य होता है जिसमें कि ऐसा अर्थशास्त्र, इसके तो मौर्य साम्राज्य के में जानकारी देते हैं वो सबसे पहले उसमें है अर्थशास्त्र, मुद्रा राजशास्त्र। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अर्थशास्त्र जो कि पोटिजे ने लिखा, पोटिजे चाणक्य या विष्णु, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था। छात्रों, जैसे कि ये इनके लेखक हैं, ये अभी से नहीं, इन चीजों को यदि आप अपने जो है दिमाग में बिठा लें तो ये है यहां से नहीं, वेन यू आर जो द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने बताता जा रहा हूँ, आप भी इसी को इसी हिसाब से मतलब एक नोट्स के रूप में देखें। इसके बाद में आता है कथा सरित सत्य, जो कि कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। इसके पश्चात है बृहत कथा मंदिर, क्षेमेंद्र ने लिखी। बृहत कथा मंदिर क्षेमेंद्र ने लिखी। इसी प्रकार दीपवंश, महावस्तिका और कल्पसूत्र जो कि बद्रबाहु ने लिखा। ये कुछ जो है साहित्य हैं जिनके बाद जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यूनानी यात्री जिनमें स्ट्रैबो, प्लूटार्क, आदि भी थे। इसके अलावा यूनानी यात्रियों के अलावा फायान, वेनसांग चीनी यात्री भी थे, जिनका के विवरण हम आगे देखेंगे। इन सबसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा रुद्र दमन जो कि जूनागढ़ अभिलेख था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि
जिसके द्वारा काफी जो है समाज सेवा के लिए किए गए कार्य या जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। तो ये है जूनागढ़ अभिलेख भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें लिखवाया था रुद्रदेव। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के, उसके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, प्रतापी राजा भी था, और इसका कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व तक माना गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपना गुरु कोटिके या चाणक्य विष्णुगुप्त, जिसने की अर्थशास्त्र लिखी, उसी के, क्योंकि उनका गणानंद वंश के उसके नंद वंश के शासक जो गणानंद थे, इन्होंने चाणक्य का काफी अपमान किया था, तो उसी अपमान से उन्होंने एक शिक्षक पर अंगुली उठाई थी। उसके लिए भी उसने बहुत कुछ कहा था कि जब कोई राजा एक शिक्षक की तरफ अंगुली करे या जो मार्गदर्शक होता है उसकी तरफ करे तो उसका विनाश निश्चित है। इसी चीज को उसने गांठ मारी और इस कार्य को अंजाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को हरा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त यह संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्षी रुद्र दामन के जूनागढ़, क्योंकि ये जो जूनागढ़ अभिलेख था रुद्र दामन ने लिखा था, इसमें चंद्रगुप्त ये जो एक संज्ञा दी गई है इसका भी जो है पता चलता है। चंद्रगुप्त संज्ञा का पता चलता है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा अब चूंकि मगध के राज सिंहासन पर बैठ कर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो कि संपूर्ण भारत में फैला हुआ। चंद्रगुप्त के विषय, अब चूंकि प्लूटार जो कि एक यूनानी यात्री था, यूनानी यात्री ने चंद्रगुप्त के बारे में क्या कहा कि चंद्रगुप्त के पास उस समय 6 लाख थे। और शायद इतिहास में बात करें तो इतनी बड़ी सेना किसी भी शासक के पास नहीं थी, ये प्लूटार्क कहता है जो कि यूनानी शासक था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिम भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से भी मुक्त कराया, नंद वंश का उन्मूलन किया और सेल्यूकस को संधि के लिए विवश किया। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में, अब चूंकि यदि अपन ये तो था कि इसने स्थापना कैसे की, किसको हराया, किन किन को हराया, अब यदि इसके साम्राज्य की बात करें, चूंकि प्लूटार्क ने कहा कि 6 लाख की सेना थी और संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार था, क्योंकि अभी अपन देखें जैसे भारत की आजादी के बाद ये भारत का जो नक्शा वर्तमान स्वरूप में है उस समय का नक्शा कुछ अलग ही था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमाएं थी वो आपके थी उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक। अब कहां का आती थी यदि अपन इसकी बात करें तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो है ईरान, उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर के वर्तमान उत्तरी कर्नाटक, या इसको ऐसे नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको डिस्क्राइब करूंगा, एक नक्शा बताऊंगा इसको जब ये मौर्य साम्राज्य चैप्टर क्लोज हो जाएगा उस समय इसका पूरा बताऊंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं यदि अपन ये देख लें कि उत्तर पश्चिम में ईरान, उत्तर में कर्नाटक से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र, पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र, यहां तक इसकी शासन। 305 ईसा पूर्व मेसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। 305 ईसा चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना गया है।
और सबसे ज्यादा जानकारी इसी युद्ध के बारे में दी गई। इसने मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस को जो भी मैसिडोनिया का शासक था उसके पश्चात उनके दोनों के बीच में संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपने पुत्र हेलेना का विवाह किया। हेलेना का विवाह किया, 500 हाथी उपहार में दिए। दहेज के रूप में एरिया एरोकोसिया जेडोसिया और पेरिपेसिडाई के क्षेत्र भी दिए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने कि मेगस्थनीज ने इंडिका ली। सेल्यूकस, अब प्रश्न ये आता है कि मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत, इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इसी मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक के बारे में आपको बता दूं, इतिहास उठा के देखें तो इसकी मूल प्रति कहीं भी उपलब्ध नहीं था। केवल उसके जो है रूपांतर वगैरह वगैरह उसके आधार पर इंडिका के से क्या वर्णन प्राप्त होता है। इंडिका से मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? सेंड्रोकोटस। और इसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा महिला अंगरक्षकों से गिरा हुआ था, रहता था। उसके बाद में उसने कहा था कि कानून लिखित रूप में नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि उसके शासनकाल में कभी भी ताले वगैरह नहीं लगते थे। यदि कोई व्यक्ति कुछ गुनाह कर देता तो उसका एक हाथ काट दिया जाता था ताकि उसकी पहचान एक चोर के रूप में हो जाए, गुनहगार के रूप में हो जाए। दूसरी बार यदि वो करता था अपराध तो उसके दोनों हाथ दूसरा भी काट दिया जाता था। भारतीयों के भोजन में चावल के बारे में विशेष महत्व था और मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में ही मान्य था। यह मेगस्थनीज की इंडिका में विवरण मिलते हैं। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय, क्योंकि हमने देखा संपूर्ण भारत, चूंकि ये कह रहा है संपूर्ण भारत में था तो उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम आगे, तो यदि दक्षिण भारत की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत विस्तार था और इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथों से। इसकी जानकारी कौन देते हैं? तमिल ग्रंथ देते हैं। तमिल ग्रंथों में आता है एहनामूर और मुन्नामूर। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह कहा कि, लेकिन यह प्रश्न यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल से ताल्लुक रखता था, क्या था, तो उसके बारे में भी विभिन्न प्रकार के ग्रंथ जो है उन्होंने अपने अपने जो है विचार पेश किए। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र माना गया है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्षत्रिय माना गया है और मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त ने लिखी थी इसने इसको निम्न कुल का भी माना है। ठीक है, अब आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की अब चूंकि शासन के बारे में पता करने के पश्चात इसके व्यक्तित्व के बारे में देखें तो पता चलता है कि एक कुशल योद्धा, सेनानायक और महान विजेता ही नहीं था बल्कि योग्य शासक भी। इसके जो मुख्यमंत्री गुरु भी था कौटिल्य, उसके साथ मिलकर के बहुत अच्छे शासन व्यवस्था का भी निर्माण किया। उसके बाद इसने अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपना लिया था, जैन मुनि बद्रबहु के संपर्क में आकर के जैन धर्म अपना लिया और अपना पूरा अंतिम समय श्रवण बेलकोना में और श्रवण बेलकोना मैसूर करना था।
करा और वहीं पे इसने अपना जीवन कब त्याग दिया था? 298 ईसा। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत करने वाला, विभिन्न प्रकार के इसके काल में लिखे गए जो साहित्य हैं। इसके बाद में हम देखें सबसे महत्वपूर्ण आता जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन, जिसने की चंद्रगुप्त की संज्ञा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 198 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके यदि साम्राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्व ईरान से उत्तरी कर्नाटक, पश्चिम मगध, पश्चिम सौराष्ट्र तक था। सबसे महत्वपूर्ण ये 305 में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस के साथ लड़ा गया, सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस ने संधि की, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, 500 हाथी दिए और अपने जो है इसको एक राजदूत मेगस्थनीज को रखा, जिसने की मौर्य को सेंडोकोटस का चंद्रगुप्त को और हिंदी का पुस्तक। उसके पश्चात दक्षिण भारत की विजय भी तमिल ग्रंथों से पता चलता। अंत में जैन धर्म भद्रभाव के संपर्क में आकर के जैन धर्म जो है स्वीकार कर लिया और श्रवण बीरबल में सुन अपना जीवन 298 ईसा पूर्व में त्याग दिया। छात्रों, ये था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का लेखा क्लोज, जो कि पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था 322 से 185 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिनका की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, जिसने कि मौर्य साम्राज्य को संभाला और इसका कार्यकाल 278 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बारे में विभिन्न प्रकार के यूनानी लेखक जिन्होंने कि इसको अमित्रोचेट्स कहा है, अमित्रोचेट्स यानी कि संस्कृत रूपांतरण शत्रुओं का वध करने वाला। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रगात कहा है और यानी कि वही शत्रुओं का वध करने वाला बताया है। स्ट्रैबो ने अलेट्रोचेट्स कहा है। इसके अलावा इसके विभिन्न जो है अपने जैन ग्रंथ है उनमें इसको सिंहसेन नाम दिया गया है और वायु पुराण में बद्रसार कहा गया है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण बनाए रखा। दिव्यावदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में जो दो विद्रोह हुए थे उनका विवरण दिव्यावदान में दिया गया है और इन विद्रोहों को दबाने के लिए इसने अपने जो है अशोक और सुसीम को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा। एंटियोकस प्रथम, जो कि यूनानी शासक था, इसने डाइमेकस राजदूत को भेजा था। यह विवरण हमें देता है एंटियोकस प्रथम से। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम, जो कि यूनानी शासक था, इसे मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना। तो ऐसा कहते हैं कि एंटियोकस प्रथम ने मदिरा और सूखे अंजीर ये तो भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। उसने कहा हमारे यहाँ दार्शनिकों को आदान प्रदान करने की प्रथा नहीं है, ऐसा भी स्ट्रैबो देता है। इसी के साथ ही इसके शासनकाल में और मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसको कि टोलेमी द्वितीय भी कहा गया है, टोलेमी द्वितीय भी कहा गया, इसने भी पाटलिपुत्र में अपने डायोनिसस नामक राजदूत को भेजा था। यह था और ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये छात्रों मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार की जानकारी, जिसने कि 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसको यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा है, स्ट्रैबो ने एलिट्रोकेट्स कहा है और वायु पुराण में इसको बद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। दिव्यावदान ग्रंथ में तक्षशिला में हुए दो विद्रोह की जानकारी मिलती है, जिसको के दबाने के लिए उसने अशोक और सुसीम को भेजा था। इसके बाद में स्ट्रैबो यह बताता है कि यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस राजदूत को इसके दरबार में भेजा था और
इसने बिंदुसार ने उससे मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। तो उसने मदिरा और सूखे अंजीर को भेज दिए, दार्शनिक नहीं भेजा, यह कहकर कि दार्शनिक को आदान प्रदान करने की प्रथा हमारे नहीं। इसी प्रकार से टोलेमी द्वितीय मिस्र का फिलाडेल्फस जो शासक था, उसने डायोनिसस नामक राजदूत को बिंदुसार के शासन में भेजा था और बिंदुसार आज मुख संप्रदाय का अनुयायी था। छात्रों, आशा करता हूं कि आपको जिस तरीके से मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा, और इसको इसी प्रकार से आप ये नोट्स के रूप में पढ़ते भी जाए, लिखते भी जाए, क्योंकि ये चीजें जब तक आप आजीवन यानी कि जब तक आप कंपटीशन दोगे, सफल नहीं हो जाते लक्ष्य तक, ये सारी चीजें आपके काम आएगी। धन्यवाद।